जहां शहर शहर की गलियां सुनसान दिखाई दे रही थी तो मोमिनपुरा की गलियों में लोगों का जमावड़ा दिखाई दिया। कोविड-19 कोरोना के हालातों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और कमेटी की प्रतिष्ठित मौलाना हजरत से जनता से घर में रहने की अपील की। अपील के बाद मोमिनपुरा इलाके के लोग घरों में जाते दिखाई दिए। दर्शकों, ये बहुत ही एक शोचनीय स्थिति हमारे यहाँ बन चुकी है कोरोना वायरस के चलते, और जगह जगह पर नागरिकों से जो नेतागण है वो अनुरोध कर रहे, पुलिस प्रशासन चुस्त है, बता रहा है, बताया जा रहा है कि वो घर में ही रहे। यहाँ पर इस वक्त हम मोमिनपुरा में हैं और मोमिनपुरा से यहाँ पे से जो है जो प्रतिष्ठित जो है वो यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं कि किस तरह से नागरिकों ने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आइए हम बात करते हैं, किस तरह से आप आह्वान कर रहे हैं लोगों को? भाई, ये जो बीमारी इस वक्त जो शहर के अंदर फैली है, प्रशासन, मैं मौलाना मसूद अहमद हूँ और शहर नागपुर के जमीतुलमा का प्रेसिडेंट हूँ और खादिम होने के जैसे कौम की जो खिदमत करती है जमीतुलमा, उस नाते से पुलिस के प्रशासन ने हमसे ये दरख्वास्त किया कि भाई कौम और पब्लिक की जनता आपकी बातें को सुनती है, आप उलमा इकराम हैं, हम तो जो समझाना था हमने समझाया लेकिन पब्लिक समझ नहीं रही है, आप आइए मैदान के अंदर, हमारी गाड़ी के अंदर बैठिए और हमारे गाड़ी के अंदर बैठ के पब्लिक से, जनता से रिक्वेस्ट कीजिए कि बीमारी कितनी खतरनाक है और कितना इसका नुकसानदेह है। तो हम यही पब्लिक से दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई ये बीमारी दरअसल हमको लगी नहीं है, ये बीमारी की जो परेशानी उस शख्स से पूछो जिसको ये बीमारी लग चुकी है और ये बीमारी किस तरीके से फैलती है इसका पता नहीं चलता। अगर इस बीमारी को सावधानी नहीं बरते और प्रशासन जो चाहती है हमारे साथ कि भाई हम उसका ताउन करें, हम अगर उसका ताउन करेंगे तो प्रशासन भी हमारे साथ ताउन करेंगी। हम पब्लिक से दरख्वास्त करते हैं, चाहे पब्लिक कोई भी हो, चाहे वो, लेकिन अपने इलाके के पब्लिक से खासतौर से ये दरख्वास्त करें क्योंकि घनी आबादी है और घनी आबादी के अंदर इसका नुकसानदेह ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जहाँ जिस मुल्क के अंदर ये बीमारी आई और ये बीमारी लगी वो घने आबादी के इलाके थे, इसलिए वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ। और प्रशासन भी इसी तरीके से चाहता है कि इस इलाके के लोग, पब्लिक और जनता इस बात को सोचे और समझे कि ये बीमारी क्या है। मैं पब्लिक से दरख्वास्त करता हूँ, पूरी जनता से दरख्वास्त करता हूँ कि इस बीमारी को समझें और डॉक्टरों ने जो चीज़ें बताई उसके मुताबिक अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर्फ्यू लगाने, ये जुल्म नहीं हमारे साथ, ये मजबूरी के तहत ये काम लिया गया है ताकि इस बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैले ना और जो अभी स्टेज कम है वो स्टेज वहीं तक बाकी रह जाए और अगर इस स्टेज बढ़ जाएगा तो फिर नुकसान होगा और इससे मजीद महामारी का हालात पैदा हो सकते हैं। इससे कबल कि महामारी के हालात पैदा हो, हम पब्लिक से, आवाम से, जनता करते हैं भाई वो अपने घरों के अंदर रहे और साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखे। तो ये हमारे साथ में मौलाना साहब थे जो नागरिकों से, मौलाना मसूद साहब थे जो जो हमारे मोमिनपुरा के रहवासियों को आह्वान कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने इस बीमारियों का जायजा लेना चाहिए, किस तरह से उन्होंने सपोर्ट करा, किस तरह से उन्होंने घर में ही रहना चाहिए, रास्ते पर नहीं निकलना चाहिए। इन बीसीएन के माध्यम से भी हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं, आशा करते हैं कि वो भी इस वक्त साथ दे, अपने आप को आइसोलेटेड रखे, घर के अंदर ही बने रहे, पुलिस प्रशासन चुस्त है, मौलाना मसूद साहब जैसे लोगों को ये मदद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने लोगों को सराहा है, उन्होंने कहा है कि लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लोगों को भी उनको प्रतिसाद देना चाहिए। यहाँ के जनता ने कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए घर के अंदर ही रहने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इन विषयों के माध्यम से फिर से हम लोग आह्वान करते हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर चुस्त है, दुरुस्त है, ऐसे ही हम आपके साथ में बात करते रहेंगे, बाकी इलाकों की भी न्यूज़ आपके तक पहुँचाते रहेंगे। कोरोना वायरस जो बीमारी है उसको मद्देनजर रखते हुए लगाया गया है, हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि घर के बाहर ना निकले। घर के बाहर निकलने से ये बीमारी जो है फैल रही है, चार लोगों के जमा होने से ये बीमारी फैल रही है, कर्फ्यू में कोई भी बाहर ना निकले। आप लोगों से मुआतबाना गुजारिश है कि आप लोग अपने घर में रहिए, प्रशासन का साथ दीजिए, पुलिस प्रशासन का साथ दीजिए। आप लोग पुलिस प्रशासन का साथ देंगे तो ये बीमारी से हम बच सकते हैं, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे, आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो पुलिस को मजबूरन आपको लेके जाना पड़ेगा। अभी कुछ ही देर पहले बीसीएन की टीम ने यहाँ पे शिरकत किया, यहाँ पर मौलाना मुस्तफा जी, मौलाना सुज जी और बाकी पुलिस प्रशासन यहाँ पर चुस्त है और लोगों से दरखास्त कर रहा है कि किस तरह से लोगों ने जमा नहीं होना है एक जगह पे, किस तरह से लोगों ने अपने घरों में सुरक्षित, इस तरह से आह्वान किया जा रहा है। मौलाना जी, मौलाना मुस्तफा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम चाहते हैं कि आप इन विषय के माध्यम से लोगों से दरखास्त करें जी। हमने अभी पुलिस प्रशासन के साथ हमारे मोहल्ले के बहुत बड़े हिस्से का गश्त किया है गाड़ी में और बाकायदा लोगों से दरख्वास्त की है कि प्रशासन ने जो ये कानून नाफिज किया है, कर्फ्यू जो लगाया है, ये हमारे फायदे के लिए लगाया है और हम अगर किसी भी तरह की बेहतियाती करते हैं तो हमारा हाल वैसा ही हो सकता है जैसा इटली जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क का हुआ।
और जाहिर है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि किसी भी ख़तरे के आने के पहले जो उसको ख़तरे से रोकने वाली चीज़ें उसका इख्तियार करना ये आइन इबादत है। ये हम जो एहतियात का लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं ये आपके फ़ायदे के लिए, आपके ख़ानदान के फ़ायदे के लिए और पूरी नस्ल इंसानियत को बचाने के लिए है। अगर हमने हमारी वजह से इंसानियत को कोई नुकसान पहुंचता है हम अल्लाह की बारगाह में पकड़ से बच नहीं सकेंगे, इसलिए इसको अपना दीनी फरीजा समझकर अपनी नमाजें घर पर अदा फरमाएँ, तिलावत और ज़िक्र के घर में हल्के कायम फरमाएँ और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे शहर को भी, हमारे मुल्क को भी और पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला इस मुसीबत से निजात अता फरमा दे, आमीन। फिर से जनता से अपील की जा रही है, बार बार लोग कह रहे हैं कि सारी जनता ने अपने घरों में रहना चाहिए। यहाँ पर आज इस इलाके में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारे लोग अपील कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि हम लोगों ने घरों में रहकर ही अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। फिर से हम दरखास्त करते हैं कि आइसोलेटेड रहे और इनबीसीएन के माध्यम से हम नागपुर शहर की स्थिति जो है आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में इनबीसीएन न्यूज़ पर।